नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। जयपुर के जवाहर सर्किल के पास स्थित एंटरटेनमेंट पैराडाइज में सशक्तिकरण ग्रुप जयपुर द्वारा बड़े ही उत्साह उमंग के साथ शानदार और गौरवमयी पलों की एहसास कराने वाली संध्या में विभूतियों का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। जैसा कि संस्था के फाउंडर और गौसेवी नवीन भंडारी के साथ साथ संचालिका महोदया ने बताया कि यह एक गौरव और सम्मान की बात है कि हमारे बीच जयपुर के सुप्रतिष्ठित प्रतिभाओं के धनी उपस्थित हैं, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में न केवल अद्वितीय योगदान दिया है बल्कि समाज में परिवर्तन लाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। अभिनंदन समारोह के कार्यक्रम की इसी कड़ी में मुख्य अतिथि बलविंदर वालिया, निदेशक नारायण हॉस्पिटल उपस्थित रहे, जिन्होंने जयपुर शहर में चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के माध्यम से समाज में अभूतपूर्व योगदान दिया। यही नहीं, वहीं दूसरी ओर इसी कड़ी में डॉक्टर निधि पाटनी का भी चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी विशेष भूमिका रही और निर्मल सिंह की अतिथि राजस्थान दिगंबर महासभा समिति के पश्चिम भाग के अध्यक्ष है, उनकी जैन समाज को हर संभव सेवाएं मिल रही है। सशक्तिकरण ग्रुप के संस्थापक एवं अतिथि नवीन भंडारी, जिन्होंने समाज के हित में एवं देश हित में समाज के उत्थान के लिए गौ सेवा, शिक्षा, चिकित्सा और धार्मिक कार्यों में निरंतर सक्रिय रहते हुए समाज के लिए अपनी अनमोल और अमूल्य सेवाएं दी हैं। डॉक्टर शिवप्रा नाथानी, जो संपूर्ण राजस्थान में आयुर्वेदिक क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दे रही हैं, सभी का तहे दिल से अभिनंदन और हार्दिक स्वागत किया। और इसी कड़ी में संस्था को मार्गदर्शन देने वाले प्रकाश मेड़तवाल के साथ साथ अतिथियों में महेंद्र चौधरी, राधेश्याम गुप्ता, नवीन पाइक रिपोर्टर न्यूज़ फ्लैश टीवी चैनल, सुरेंद्र हरसाना और समाज में अग्रणी भूमिका निभाने वाली प्रतिभाओं की धनी महिलाओं का भी माला, उपहार, पौध, गमला और स्मृति चिन्ह भेंटकर तहे दिल से स्वागत, सत्कार और अभिनंदन किया। सभी समाज के विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर सक्रिय रूप से निष्ठा और समर्पण भाव से राष्ट्रहित में कार्य कर रहे हैं। जैसा कि दर्शकों को बता दें कि यह संस्था पिछले कई वर्षों से शिक्षा, पर्यावरण, गौ सेवा, निम्न वर्ग के बच्चों की शिक्षा, विवाह और अन्य सामाजिक गतिविधियों के क्षेत्र में लगातार योगदान बढ़ाते जा रही है। कार्यक्रम शुभ आगाज श्री गणेश पूजन और दीप प्रज्वलन करके किया। मंच संचालन पायल बैद और नेहा जैन ने किया। अंत में सभी का आभार व्यक्त करते हुए विजय कोठारी ने कहा कि आप सभी की उपस्थिति और सहयोग से हमारा प्रयास और प्रगति की ओर अग्रसर होगा। हम आपके निरंतर समर्थन के लिए सदा आभारी हैं। कैंसर का बॉडी में किसी भी पार्ट में अगर होता है तो वो पेनलेस होता है। कैंसर में कभी भी पेन नहीं होता है। जैसे जैसे वो बढ़ता है, आसपास के टिश्यूज को जब जकड़ने लगता है, तब दर्द शुरू होता है। तो अगर कैंसर में दर्द है, मतलब आप ऑलरेडी एडवांस स्टेज में पहुंच रहे हो। तो पेनलेस लंप जो है, हम ये सोच के इग्नोर ना करें कि दर्द तो था नहीं और तो कोई तकलीफ थी नहीं तो मैंने नहीं देखा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि ब्रेस्ट में पाए जाने वाले 100 में से 80 लंप्स में कैंसर नहीं है, लेकिन वो 80 आपको तो नहीं समझ आएंगे। डॉक्टर बनना पड़ेगा। मशीनें उपलब्ध कराई जाएंगी, उन उपलब्ध करा दें। गोबर की वैल्यू क्रिएशन कर दिया। वैल्यू क्रिएशन करने से आवश्यकता ही नहीं। जब किसान पालने में सक्षम होगा, जब किसान पालने में सक्षम होगा तो गाय रोड पर नहीं जाएगी, रोड पर नहीं जाएगी तो कटने में नहीं जाएगी, उसके ऊपर सारा बच्चों का।